नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात, मैं हूं सुनील यादव। सबसे पहले सुर्खियां। सनावद में मरीजों को उपचार करते समय डॉक्टर को आया अटैक, मौके पर ही हो गई मौत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निकाली शव यात्रा, आग लगा किया अंतिम संस्कार भी। बैतूल में कलेक्टर ने कांग्रेसियों को दी नसीहत, नसीहत सुन दबे पांव निकले कांग्रेसी। न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है राठौर कृषि सेवा केंद्र, सिवनी मालवा में कीटनाशक दवाइयां किफायती दामों में मिलने का एकमात्र स्थान। अब खबरें विस्तार से। सनावद के शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर आर एस पाटीदार की मरीजों का उपचार करते समय अटैक आने से मौत हो गई। जैसे ही डॉक्टर पाटीदार की मौत की खबर शहर में फैली, अस्पताल में डॉक्टरों सहित परिजनों की भीड़ लग गई। वहीं पूरे शहर में मातम फैल गया। शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा के माध्यमिक विभाग के इको क्लब की छात्राओं ने साला परिसर में गेंदा के पौधों का रोपण किया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली। वहीं इको क्लब प्रभारी शिक्षक आर एस मिश्रा ने नवगठित इको क्लब की छात्राओं को पौधे रोपने की विधि समझाई। छात्राओं ने गमलों में मिट्टी, गोबर की खाद मिलाकर पौधे रोपित कर उनमें पानी डाला और हमेशा पानी देने की बात कही। पारिवारिक जमीन को लेकर बलवाड़ा थाने की पुलिस चौकी काटकूट के ग्राम मेहंदी खेड़ा में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से बड़वा उपचार के लिए लाया गया। बड़वा से हमारे संवाददाता पीयूष शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष के दो तो दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर घायल होने के चलते इंदौर रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का बड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि खूनी संघर्ष में गंभीर घायल तीन लोगों को प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर किया गया है। जिले की चिचोली तहसील से 10 किलोमीटर दूर घने जंगल में मरदेव मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा के साथ छेड़खानी कर चांदी की एक आंख निकाल ली गई। वहीं आसपास स्थित अन्य भगवानों की मूर्तियों के साथ भी छेड़खानी कर त्रिशूल सहित अन्य सामग्रियां बिखेर दी गई। हमारे संवाददाता सुरेंद्र बावने ने बताया कि पुजारी सोमलाल धुर्वे का कहना है कि सिद्ध स्थान के साथ छेड़खानी करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाया कि सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके का मुआयना करने नहीं आई। वहीं थाना प्रभारी सुनील लाटा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मैं बाहर हूं, मैं जरूर घटना स्थल जाऊंगा। वहीं तीन पंचायत विधवा, दूधिया और खेरी के लोग बैठक का आयोजन कर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मूर्ति पर सिंदूर लगा श्रृंगार कर पूजन अर्चन शुरू कर दी गई है। सरकारी स्कूलों पर से भरोसा उठना और निजी स्कूलों की बाढ़ आना कहीं न कहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों सहित हम सबकी लापरवाही के कारण है। शासकीय स्कूलों के अधिकांश शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें पता है कि कोई कार्यवाही नहीं होगी। निजी स्कूल के शिक्षक समय से पहले पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें वेतन काट लिए जाने का डर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो दिखा ये हम सब आपको क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि शासकीय स्कूलों की शिक्षा की तस्वीर तभी बदली जा सकती है जब हम गलत के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। ये वीडियो हमें टप्पा तहसील शिवपुर से कुछ जागरूक युवाओं ने भेजा है। उन्होंने बताया कि समय से स्कूल नहीं खुला, इसलिए सभी छात्र छात्राएं बाहर खड़े होकर स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अब स्कूल खुलने के समय के फेर में नहीं पड़ते हैं क्योंकि शिक्षा विभाग सफाई देने में माहिर है। हम बात करेंगे कि क्या शिवपुर बस स्टैंड के पास संचालित होने वाले स्कूल को छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से समय से पहले नहीं खुलना चाहिए, क्या यहां के शिक्षकों को समय से पहले नहीं आना चाहिए। एक दो छात्राएं खड़ी हों तो हम मान भी लें कि छात्राएं समय से पहले आ गई होंगी, पर आप गौर से वीडियो को देखिए कितनी छात्राएं स्कूल खुलने का इंतजार कर रही हैं। हम इसमें स्कूल के शिक्षकों की ही गलती नहीं मानते, पुलिस विभाग सहित हर पालक गलत है जिनकी बच्चियां यहां पढ़ रही हैं। शिक्षकों को समय पर आना चाहिए तो पुलिस को राउंड लगाना चाहिए, तो वहीं पालक को ऐसे समय शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। तभी तो जहां छात्राएं सुरक्षित हो पाएंगी वहीं शासकीय स्कूलों में सुधार भी हो पाएगा। स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद युवा मंडल टिमन्नी नेहरू युवा केंद्र द्वारा ग्राम चोडलपुर में घर घर जाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं युवाओं ने स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों से चर्चा कर नुक्कड़ नाटक समूह चर्चा के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। युवा मंडल के सदस्य हरीश गोहिया, दीपक गौर, मधुर भारद्वाज, सागर वर्मा, सुदीप कासिब, मिलन सोनपुरे सहित अन्य युवाओं ने ग्रामीणों को घर के पास साफ सफाई बनाए रखने, घर में कचरा संग्रहण करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करने, ग्राम को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि अधिकतर बीमारियां गंदगी से होती हैं, जिस पर हमारा ज्यादातर पैसा खर्च होता है। हमें साफ स्वच्छ रहकर इन बीमारियों को दूर भगाना है। ग्रामीणों ने भी युवाओं की बातों को उत्साहपूर्वक सुना और स्वच्छता का संकल्प लिया। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जिला हरदा द्वारा प्रांतीय आह्वान पर किया जा रहा क्रमिक अनशन पांचवे दिन भी बलराम चौक पर जारी रहा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में एवं ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लाभ न दिए जाने के कारण सभी अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। अतिथि शिक्षकों का सरकार के खिलाफ अनशन करना, धरने पर बैठना अब मजबूरी बन गई है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मति भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके लिए आज सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें कि सभी के द्वारा आहुतियां छोड़ी गई हैं।
कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र यादव ने बताया कि सद्बुद्धि यज्ञ में प्रमुख रूप से कार्यकारिणी अध्यक्ष वशिष्ठ यादव, दीपक शुक्ला, संतोष यादव, अजय शंकर शर्मा, मिथुन इब्ने, सत्यनारायण बावनिया, रामकृष्ण पाल, शैलेंद्र यादव, ब्रजेश लाठी, अमित देवारे, गोपाल कलम सहित सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति देकर शिवराज सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हरदा जिले के टिमनी थाना क्षेत्र में नगर से लगे नाले में सोच करने गया आदिवासी बुजुर्ग पेड़ फिसलने की वजह से बह गया। पिछले 24 घंटों की सर्चिंग के बाद बुजुर्ग का शव नाले की झाड़ियों में आज सुबह फंसा मिला। 50 फीट के इस नाले की झाड़ियों में फंसे शव को ढूंढने में होमगार्ड और पुलिस के जवानों को 24 घंटे से अधिक समय लग गया। हमारे संवाददाता जितेंद्र गुजरे ने बताया कि टिमन्नी के एनएच पर बने नाले में एक ढाबे पर काम करने वाले आदिवासी समुदाय के बुजुर्ग रामकिशोर, उम्र 70 साल, निवासी बैतूल जिले का, नाले में सोच करने के दौरान पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से बुजुर्ग पानी में बह गया था। सूचना के बाद से ही पुलिस और होमगार्ड के जवान सर्च ऑपरेशन में जुट गए, लेकिन मात्र 50 फीट लंबे नाले की झाड़ियों में फंसे शव को ढूंढने के लिए होमगार्ड और पुलिस के जवानों को 24 घंटे बाद सफलता मिली, जो कि आपदा प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। वहीं टिवन्नी नगर परिषद के द्वारा बारिश के पूर्व नाले की सफाई नहीं किए जाने से होमगार्ड जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यदि नाले की सफाई हो जाती तो शव को ढूंढने में आसानी होती। बहरहाल आज सुबह होमगार्ड के जवानों ने घटनास्थल से मात्र 50 फीट की दूरी पर ही नाले की झाड़ियों में फंसे बुजुर्ग के शव को ढूंढने में सफलता प्राप्त कर ली। ड्रैगन बोट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आनंद पिता शांतिलाल बिश्नोई का रविवार को श्री जम्बेश्वर मंदिर प्रांगण नीमगांव में अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन द्वारा सम्मान किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुहागमल पवार ने बताया कि आनंद ने 4 से 7 जुलाई को चीन के डाली शहर में आयोजित 5वीं एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। आनंद ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से भोपाल के छोटे तालाब पर प्रैक्टिस कर रहा है। आनंद की कड़ी मेहनत के कारण ही आज नीमगांव और हरदा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र यादव ने बताया कि आनंद ने अभी तक ड्रैगन बोट नेशनल प्रतियोगिता में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आनंद की इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन द्वारा नीमगांव मंदिर में आनंद का सम्मान किया गया। सुनने में शायद अजीब लगे, परंतु यह सच है कि होशंगाबाद जिले के सिवनीमालवा तहसील में प्रधानमंत्री बीमा योजना का निधन हो गया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का। सिर्फ कहना ही नहीं, उनके द्वारा सोमवार को सिवनीमालवा तहसील के सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर फसल बीमा की मांग को लेकर संकट मोचन हनुमान मंदिर से तहसील कार्यालय तक प्रधानमंत्री बीमा योजना की शव यात्रा भी निकाली गई और तहसील कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। बात यही खत्म नहीं हुई, शव यात्रा निकालने के बाद शव को तहसील कार्यालय के सामने रख सैकड़ों किसान सड़क पर बैठ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद SDM धीरन सिंह ने मौके पर पहुंच किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर आंदोलन समाप्त करने को कहा, जिस पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सहमति नहीं दी गई एवं तहसील कार्यालय के सामने ही शव को आग लगा अंतिम संस्कार कर दिया। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष सूरज बली जाट ने प्रशासन को चेतावनी भी दी डाली कि यदि किसानों की मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो 26 जुलाई को हजारों किसानों के द्वारा पूरे होशंगाबाद शहर का घेराव किया जाएगा। ज्ञात हो कि उक्त किसान खरीफ फसल 2017 की बीमा राशि नहीं मिलने के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और पूरे होशंगाबाद जिले को कम से कम 400 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। अगर ये मांग हमारी 10 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है तो 26 जुलाई को होशंगाबाद का घेराव किया जाएगा, कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। जो सुन ले और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मिला, क्या कारण था, किन कारणों से यह बीमा नहीं मिला और इसके जवाबदार कौन? निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है और कहीं न कहीं से इनको हरी झंडी मिली, इसलिए सारी रिपोर्टें बदली गई और पैदावार को ज्यादा बताया गया। क्या कारण है कि हमको आज बीमा से वंचित किया गया है? बंधु, सारे लोग कमर कस लो, अगर 10 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं हुआ होता है तो हम जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे और इसके दूरगामी परिणाम बहुत विकट होंगे, ये भी तय है। भगवान बलराम जी।